फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस बाकी था, और आई होप आपने पहले भी पढ़ा रहेगा। माई डियर बाबाज एंड बेबीज, बोलिए फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। पहला, वेयर हाउस का काम क्या है? माई डियर, स्टोरेज ऑफ गुड्स, बोलो। प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टाइम यूटिलिटी, प्लेस टाइम यूटिलिटी, यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी। या आप अलग से भी लिख सकते हो, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी अलग हेडिंग डाल के। टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी अलग हेडिंग डाल के दो अलग पॉइंट भी आप लिख सकते हो। माई डियर बाबाज एंड बेबीज, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस के काम देख रहे हो आप, और पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बराबर, वेयर हाउस के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट है, आ सकता है। ठीक है, तर कृपया पॉइंट्स रिमेंबर करायचं, प्लीज काम करा माझ्यासोबत। तरी तुम्ही ॲटलीस्ट खुद नाही पढता आहे तो मैं चाहता हूँ कि तू बराबर मेरे साथ तो ॲटलीस्ट पढ़े, बराबर है कि नहीं? तो आई होप तुमने रीड एंड रिमेंबर कर लिया रहेगा। स्टोरेज ऑफ गुड्स, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, ग्रेडिंग एंड ब्रँडिंग असा या गोष्टी का नाही, लेबलिंग, पॅकेजिंग या गोष्टी पण केल्या जातात बघा, बराबर। प्रोसेसिंग में वो आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हो याद कर लेने का। ठीक है, बघा वेयर हाउस काम है। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको बोला था चैप्टर नंबर 6 में आपके साथ डिस्कस करेगा, तर अपन आता जंप मारनारे चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, ये पांचवा है। ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड करके रखे, इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। ठीक है, हा क्वेश्चन नहीं करते मैं सद्या, इधर से करते जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसकी बात कर रहा था, डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स, ये चार ग्रुप तो अपन करने वाले, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, ये अलग क्वेश्चन है, वो किधर है? चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, चला फटाफट बघा, 5 मिनटाचं काम है। बोला रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉईज, मतलब बिजनेस ने एम्प्लॉय के लिए क्या करना चाहिए, बोलिए। पहला पॉइंट, जॉब सिक्योरिटी, फेयर रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। बघा लॉजिकली वाचने का, और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर ये याद नहीं आ रहा है ना, लॉजिक से बात कर बराबर। क्या कि बाबा एक बिजनेस एम्प्लॉय के लिए क्या करना चाहिए, उसने जॉब का सिक्योरिटी हुआ, परमानेंट रख उसको, अच्छा रेम्यूनरेशन दे, गुड वर्किंग कंडीशन काम पे प्रोवाइड करो, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर काम करते टाइम बाबा उसका हेल्थ का ध्यान दिया करो, एजुकेशन दो, ट्रेनिंग दो काम का, बराबर कि नहीं? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में उसका भी थोड़ा ओपिनियन ले लो, उसके अंदर प्रमोशन आनी, करियर अपॉर्चुनिटीज, वो एक पोजीशन पे काम कर रहे तो उसको एक ही पोजीशन पे मत रख, आगे लेके जा, बराबर कि नहीं? ऐसा लॉजिकल पॉइंट्स अपने को लिखना है। ठीक है, चला चल, पुढचा पॉइंट है आपला रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गव्हर्नमेंट। सोन्या, एखाद्या बिझनेसने गव्हर्नमेंटसाठी काय केलं पाहिजे रे? टॅक्स वेळेवरती द्या, नियम फॉलो करा, गव्हर्नमेंटला पण अडीअडचणीच्या कामामध्ये मदत करा, मोठा बिझनेस असेल तर, बरोबर की? लॉजिकल बात। आणि युअर बिझनेस शुड नॉट वर्क इन इंडिया ओनली, तुम्ही आउटसाइड जाके काम करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना चाहिए, बराबर ना? सर लॉजिक से बात करने का, देखो बोलो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट फंड, बराबर। देखो लॉजिक से बात करने का, टैक्स पेमेंट कर, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज कमा के देना बेटा गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करो बेटा, समाज का और अर्थ हमारा अर्थशास्त्र बढ़ना चाहिए, बराबर। इम्प्लीमेंटिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसीज अच्छे हैं तो आपने उसको पहले क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट लागू करना चाहिए अपने बिजनेस में, बराबर। कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट फंड, बराबर कि नहीं? कोरोना के टाइम पे पीएम केयर्स फंड में बहुत सारा पैसा कंपनीज ने भी डाला था। ठीक है,
आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कस्टमर, बिजनेस ने कोणासाठी कस्टमर साठी काय केलं पाहिजे, बराबर की नाही? देखो क्या करने का बेटा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बोलो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फेयर प्राइस, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, सेफ्टी, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट, आफ्टर सेल सर्व्हिस, रेग्युलर सप्लाय, एका कस्टमर साठी बिझनेस ने चांगला प्रोडक्ट प्रोवाइड केला पाहिजे, अच्छे प्राइस पे प्रोवाइड करना चाहिए, एडवर्टाइजिंग खरा खरा एडवर्टाइजिंग करना चाहिए, कस्टमर के सेफ्टी के बारे में विचार करना चाहिए, गंदा प्रोडक्ट उसको नहीं देना चाहिए, रिसर्च करो कस्टमर के लिए, अच्छा रिसर्च करके प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाओ, बराबर की नहीं? और वो प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल करा के दो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा दो, प्रोडक्ट गया मेरा काम खत्म हुआ, नहीं तेरा एडमिशन हुआ मेरा काम खत्म हुआ, नहीं एग्जाम में जब तक तू पास नहीं होता एग्जाम में उधर तक जाते जाने तक बैठता नहीं तब तक मेरा काम खत्म होने वाला नहीं, बराबर की नहीं? बात की गहराई को समझ, रेगुलर सप्लाई मतलब रेगुलरली कस्टमर के साथ कनेक्ट रहने का, बराबर की ना? सोनूला पिल्ला, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट रहेगा, बराबर की नहीं? हाँ लास्ट, बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी, सोसाइटी समाज, समाज के लिए गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए माय डियर, बोलो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, प्रोटेक्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल हेल्प, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो बेटा समाज के लिए एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाने का, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, समाज में बोले तो वातावरण में जो भी रिसोर्सेस है नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह भी उसमें आ जाएगा, उसका ढंग से इस्तेमाल करो, जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करो, बराबर। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, तेरा बिजनेस खाली सिटीज में नहीं चलना चाहिए, जहाँ पे गरज है उधर भी चलना चाहिए, वहाँ पे लोगों को क्या मिलना चाहिए बेटा, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। समाज को आप फाइनेंशियली हेल्प करो, बराबर कि नहीं? और समाज के लिए जो गलत एक्टिविटीज होगी वो आपने करना नहीं है, बराबर। प्रोटेक्ट एंटी सोशल, बराबर, समाज के लिए जो हित में नहीं है वो आप करो नहीं, बराबर कि ना? सुनले पिल्ला, ये पॉइंट्स आपने रीड किया रहेगा, और इसमें से एक एग्जाम में आने वाला है, और आपका नसीब अगर अच्छा रहा तो दो भी एग्जाम में आ सकता है, बराबर की ना? मला असं वाटतंय आपण खूप सारे चॅप्टर्सचे पॉइंट्स भरपूर वेळा आपण रीड केलेले आहेत, बराबर की नाही? या पॉइंट्स तर विसरता कामा नयेच बाबा,